देश की पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ। सुषमा को कार्डियक अरेस्ट के बाद एम्स ले जाया गया था, मगर उन्हें बचाया ना जा सका। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इस थ्योरी को जानना जरूरी है। दरअसल कार्डियक अरेस्ट एक तरह का हार्ट अटैक है, जिसमें दिल काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट अचानक होता है और शरीर की तरफ से कोई चेतावनी नहीं मिलती। दिल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कमजोर हो जाने से शरीर में खून नहीं पहुंचता। बॉडी खून को पंप करना बंद कर देती है, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ऐसा होने पर इंसान बेहोश हो जाता है और सांस आना बंद होने लगती है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान कुछ ही पलों में इंसान बेहोश हो जाता है। वहीं अगर सही वक्त पर सही इलाज ना मिले तो कार्डियक अरेस्ट के कुछ मिनटों में मौत हो जाती है। और यही वजह रही देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को नहीं बचाया जा सका और उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।